नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में स्मीगल पांडे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह जो बचे कुछ स्टेट के हैं वो कब तक शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। स्किप मत करिएगा, आपके स्टेट वाइज का बताऊंगा, नहीं तो आप स्किप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ हम लेके चले आए हर बार की तरह फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बजट ही बताता हूँ। तो आज का बजट देख लीजिए, 10,33,08,375 21-22 अगस्त नवंबर का। ठीक है, ये कम हो रहा है फ्रेंड, बढ़ने की बजाय पहले तो बढ़ गया था हद से ज्यादा, अब कम हो गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं नए रजिस्ट्रेशन की। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। वेस्ट बंगाल के लिए बताया था कि रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल के कैसे करने हैं। वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। स्किप करके आगे बढ़ा देंगे, कहेंगे यार फिर मैंने क्या बोला, आप मिस कर जाएंगे। वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आप से है, किस स्टेट से हैं आप, अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। ठीक है फ्रेंड, 90% चांस है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने सभी स्टेट का नहीं देखा है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े, क्योंकि फ्रेंड सभी स्टेट का देखने के लिए मेरे पास सभी स्टेट का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी आपको बता दूं मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टेट का अवेलेबल है उनका डाल के देखा, जिसमें से 3-4 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने पिछला वीडियो बना ही रखा है जिसकी डेट 14 तारीख है, उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से देख रहे तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसे आप देख लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने की। अगर आप छत्तीसगढ़ से, असम से, उड़ीसा से, कहीं से भी हैं तो आप अपने पंजाब से, तो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फिर स्टेट सेलेक्ट करके तो यहाँ पर आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो फ्रेंड जो मैंने पिछला एक वीडियो डाला उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं बता दूँ, अभी 14 दिन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद कर दिए गए हैं। 14 दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन होंगे फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर 14 दिन के लिए क्यों बंद कर दिए गए, फ्रेंड्स आपको बता दें कि 14 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, श्राद्ध पीरियड चल रहा है इस समय, पितरों का वो चल रहा है, जिसके कारण फ्रेंड इससे गवर्नमेंट को कोई तो इशू है नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो भी रहे थे, यहाँ तक कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया है 14 दिन के लिए। तो अब आप सभी को मैं सूचित कर दूं, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए बंद हुए। तो 14 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। दोबारा रजिस्ट्रेशन फ्रेंड नवरात्र में 7 या 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन। बाकी आप किस स्टेट से देख रहे वीडियो कमेंट करिएगा, अगर आपके स्टेट का जल्दी शुरू होता है तो वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड गुड लक फ्रेंड्स।